राधाशरण जी, प्रश्न है कि मन और बुद्धि को ईश्वर के समर्पित कैसे करें? जी इसका कैसे करते हैं? जैसे कहा ना, मन मना भव मद भक्तो मध्य जी माम नमस्कार, और मैया पित मनो बुद्धि गीता बारह अध्याय में कहा, और मैयेव मन आधत मई बुद्धि में निवेशया निवेशसि मैयेव अत ऊर्ध्वं मनः संस्थाय। तो गीता में कई जगह कहा मुझको मन अर्पित करो, मुझको बुद्धि अर्पित करो। अभी अर्पण करने का क्या अर्थ है कि प्रभु आपकी अर्पण, क्या यही अर्पित करना है? नहीं, तो क्या है अर्पण करना? जी महर्षि, मन बुद्धि को अर्पित करना यानी मन बुद्धि को भगवान में लगाना है। अब बुद्धि को हम कई प्रकार से भगवान में लगा सकते, जैसे विचार करना, कुछ ही विचार करना है बुद्धि का काम। जैसे मान लीजिए हम सोचते हैं अरे ये तो वो है, ये तो वो है, ये नानात्व देखते हैं, ये बुद्धि का काम। तो निर्णय लेना बुद्धि का काम, निर्णय लेना बुद्धि का काम है। तो हम कुछ भी देखते हैं बुद्धि से विचार करते हैं, तो दो बात है, या तो आप कर्म में भगवान की प्रतिष्ठा कर दो, किससे होगा? बुद्धि से होगा। जैसे आप कोई भी कर्म कर रहे हैं, अब इससे पहले आप संकल्प, संकल्प किसका होता है? मन का संकल्प, विकल्प मन का होता है, लेकिन निर्णय उसे बुद्धि देती है। तो आप कोई भी कर्म कर रहे हैं उससे पहले आप भगवान के लिए कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपका बुद्धि भगवान में लगी हुई। मतलब बुद्धि में यदि ये विचार है कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं, के लिए कर रहे हैं, शास्त्र विहित कर्म कर रहे हैं, भगवान की आज्ञा है, हम जो भी कर्म कर रहे हैं शास्त्र विहित कर रहे हैं, पाप नहीं कर रहे हैं, अच्छा कर्म कर रहे हैं जी, और इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। इस बुद्धि से, इस विचार से कोई भी कर्म करो तो समझो आपने अपनी बुद्धि को भगवान के अर्पित कर दिया। अर्थात बुद्धि से जो भी निर्णय ले वो निर्णय ले जिसमें भगवान प्रसन्न प्रसन्न। या एक और भी भावना है, या तो कर्म में या तो दृश्य में, दो बातें, या तो सब कुछ भगवान है, ऐसे विचार अपने विचारधारा बना ले, या तो कर्म में भगवान की स्थापना करें या जीव में भगवान, जीव में भगवान की स्थापना, दोनों में से एक जगह हो गया तो दोनों अपने आप ही हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। तो मन और बुद्धि दोनों भगवान में लग जाएगा। अच्छा, मन भगवान या अर्पण करने का क्या अर्थ होगा? माने बुद्धि का तो बता दिया, जो भी बुद्धि का काम है निर्णय लेना, विचार करना, तो हम सद विचार करें, भगवान की प्रसन्नता के लिए विचार करें जी, भगवान को रिझाने के लिए विचार करें जी जी जी, ऐसा विचार ना करें जो शास्त्र विहित ना हो जी। तो ये तो हो गया बुद्धि का अर्पित करना भगवान जी जी, और मन का अर्पित करना क्या? वैसे महाराज श्री एक बात, मन का कार्य क्या? बुद्धि का तो बताया विचार करना है जी जी जी, निर्णय करना बुद्धि का, मन का कार्य क्या जी? महाराज श्री एक बात है, इसमें बड़ा सूक्ष्म बात है। गीताजी के तीसरे अध्याय में ठाकुर जी ने इस बात को रहस्य खुला है, उसमें कहा है जो इंद्रियानि प्राण आह इंद्रभ्य परम मना मना सस्तु पराबुद्धे बुद्धे प्रतस्तु सह। उसमें यह कहा गया है यदि व्यक्ति आत्मा को मुझ में लगा देता है तो उसका समझो सारा कुछ ही मुझ में लग गया, लेकिन यदि नीचे वाला लगा तो जरूरी नहीं जो आपका ऊपर वाला लगा है। यानी आप जैसे मान लीजिए इंद्रिया है, मने मन लगा भगवान में तो ये आवश्यक नहीं कि बुद्धि लगी है, लेकिन यदि बुद्धि लगी है तो मन तो लगेगा लगेगा लगेगा, ये नियम है एक। तो यदि आपने बुद्धि लगा दिया तो आपको अलग से मन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अलग से मन केवल लगाना चाहते हैं तो उसका भी उपाय है। जैसे उदाहरण देते महाराज श्री, जैसे मन में चिंतन कर रहे हैं, मन ही मन चिंतन कर रहे हैं, क्या थोड़ा देर के लिए कोई बात बोल दिया, कुछ भी हो गया, अब ठाकुर जी का चिंतन हो गया। जैसे कोई नास्तिक व्यक्ति भगवान को नहीं मानता है लेकिन भागवत कथा सुन ली तो कृष्ण कृष्ण कथा में चला तो उसका मन जो है कृष्ण में लग गया उस समय, लेकिन बुद्धि उसकी भगवान में नहीं लगी है। तो इस प्रकार से आपका मन तो भगवान में लग सकता है लेकिन बुद्धि नहीं लग सकती, लेकिन यदि बुद्धि ही लगा दिया भगवान में तो आपका मन भी सहज में भगवान में लग जाएगा। इसीलिए ऊपर वाला को भी पकड़ने के लिए कहा गया है।